अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अकोला अकोट मार्ग का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। मार्ग का काम अभी पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ है कि इसकी दूसरी ओर सड़क में दरारें पड़ गई है, जिसके कारण नागरिक सवाल उठा रहे हैं। अकोला अकोट मार्ग हमेशा सुर्खियां बटोरता रहता है, कभी सड़क हादसे से तो कभी उसके अधूरे कार्य से। अब तो इसमें सोने पर सुहागा ये हो गया है कि मार्ग पूरा अकोला से अकोट तक निर्माण होने के पहले ही उसमें दरारें आने लग गई है, और दरारें भी ऐसी वैसी नहीं है। इन सड़क में ही दरारों के कारण गाड़ियां अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। आपको बता दें कि इस मार्ग को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे थूके को थूका लगाने का कार्य ठेकेदार कर रहा है। सड़क कुछ दिनों में दुर्दशा बद से बदतर हो जाना ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या इस ओर सार्वजनिक बांधकाम विभाग का ध्यान नहीं है, या उनकी साठगांठ से इस प्रकार के हल्के दर्ज की सड़क निर्माण की जा रही है जो कभी भी खिसक सकती है। आपको बता दें कि अकोला अकोट मार्ग की सड़कें पहले ही अपने अधूरे कार्य के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस सड़क का कार्य ऐसा किया जा रहा है जैसा कछुआ गति की चाल। इस सड़क का कार्य कई साल से चल तो रहा है, किंतु सड़क को एक सिरे से ना करते हुए बीच बीच से निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण अगर नया वाहन धारक इस मार्ग से चला जाए तो वह यही कश्मकश में रहता है, क्या ये सड़क खत्म तो नहीं हो जाएंगी, सामने गड्ढा तो नहीं आ जाएगा। इस प्रकार वाहन धारक अपनी गाड़ियां भी डरते डरते इस मार्ग से चलाते हैं। संबंधित प्रशासन की पूर्ण रूप से पोल खोलती हुई यह सड़क से दिखाई दे रहा है। नागरिकों का कहना है कि ये सड़क निर्माण का कार्य ठेकेदार व संबंधित विभाग की मिलीभगत से पूर्ण किया जा रहा है, जो हल्के दर्जे का मटेरियल उपयोग करके निर्माण किया जा रहा है, जो कभी भी टूट सकता है या तो खिसक सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नागरिक इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग सार्वजनिक बांधकाम व संबंधित प्रशासन से कर रहे हैं। अकोला 24 न्यूज के लिए असगर खान के साथ इमरान अहमद की रिपोर्ट।